आज की जय। यहाँ पे काफी अच्छा शांत माहौल है और ये पूरा पहाड़ों के पास में बसा हुआ है। अभी ऋषिकेश के लिए जा रहे हैं, अब हम देहरादून जा रहे हैं। खाली 33 किलोमीटर रह गया और इधर साइड में देखो। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं हरिद्वार में बिल्केश्वर धाम। तो फाइनली अब हम मंदिर के अंदर घुस रहे हैं और अंदर वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, बस दर्शन करके आ जाएंगे बाहर, मिलते हैं दर्शन करने के बाद। हाँ, हमने पूजा का सामान ले लिया। इसमें क्या क्या है बताओ जरा। इसमें दिया है। हाँ, फूल है। फूल है। ये आग की माला है। ये आंकड़े की माला है। आग की माला है। और ये 108 बेलपत्र है। 108 बेलपत्र। आपके पास प्रसाद है। आपके पास प्रसाद भी है। चलो तो अभी चलते हैं फिर मंदिर में। तो गाइस अंदर तो बनाने नहीं दे रहे, बाहर बनाने दे रहे। और ये घंटा है, घंटी है। हाँ घंटा है ये। और ये मेरी बहन बजा रही है और बढ़िया बज रहा है, बढ़िया आवाज़ आ रही है। और ये पूरा कुछ इस तरह से मंदिर वगैरह है यहाँ पे। और वहाँ पे नंदी जी महाराज है और वहाँ पे भी नंदी महाराज है। और जिसमें हमने पूजा करी थी जहाँ पे अंदर ले जाने के लिए मना कर रहे थे, वो ये वाला है। तो अभी के लिए तो मतलब पूरा मंदिर ऐसे ही है, इतना ही है। तो गाइस अभी हम मंदिर के अंदर हैं और अभी हम कहाँ जा रहे हैं मासी? गौरीकुंड। तो अभी हम गौरीकुंड जा रहे हैं और नंगे पैर ही जाना है यहाँ पे भी। बस मौसा जी ने शॉक्स पहन रखी है और लोग घर भी बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, मन्नत पूरी होती है, घर बनाते जाते हैं ताकि लड़के अच्छे से रह सके। ये देखो कितना बड़ा घर है यहाँ पे, पत्थर की जो लगा बनाई हुई है, कितना बड़ा बना रखा है। हमारा अच्छा सा घर बन जाए जिसमें पूरा परिवार खुशहाल रहे। यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं ना, वो पत्थरों से घर बना कर जाते हैं। उससे ये होता है कि हमारी मनोकामना पूरी होती है। हम अपना घर बनाने के लिए, सुख शांति के लिए यहाँ पर घर बना के जाते हैं। तो गौरीकुंड हम आ चुके हैं और बस अब कुछ एंट्री आ रही है। चप्पल यहीं पे उतार के आए, कृपया करके आप अगर आप आ रहे हैं तो। और चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा शांत माहौल है। वहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा था वहाँ पे भी, पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शांति है। और ये पूरा पहाड़ों के पास में बसा हुआ है। वहाँ पे गौरीकुंड, वहाँ पे चलते चलो। अभी अंदर तो फोटो को या वीडियो बनाने नहीं थी। अब देखो मंदिर के बैक साइड आके क्या बनाना है यहाँ पे। अच्छा, मेरे को लगा घर बनाने के लिए कह रहे हो आप। यहाँ पे बना रखे ना घर, बहुत सारे पत्थर घर बना रखे बहुत सारे। किसी का घर तोड़ के घर बनाए नहीं, वो तो नहीं, पत्थर पड़े हैं ना। वो तो पड़े हुए, कितने पड़े होंगे। फिर टेढ़े मेढ़े बनते सारे बने हुए हैं। ये यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे गुरु जी है और हनुमान जी भी है। मम्मी आ गई, मम्मी चली गई। तो गाइस बिल्केश्वर महाराज जी के मंदिर से अब हम वापस आ गए हैं दर्शन वगैरह करके। और अब हम निकलेंगे यहाँ से ऋषिकेश के लिए। और दोपहर के 3 बज चुके हैं और काफ़ी धूप हो रही है बाहर, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कितनी धूप हो रही है बाहर। बिल्कुल चिल्ड वाली धूप हो रही है बाहर। जितनी चिल्ड होती है ना फ्रिज से निकलते हुए, बस उतनी ही चिल्ड, जैसे चिल्ड पानी होता है ना, ऐसे चिल्ड धूप चल रही है बाहर। तो अभी ऋषिकेश के लिए जा रहे हैं और ऋषिकेश में जाके आपसे मिलते हैं। एक और यहाँ से हमारा प्लान नहीं था जब हम यहाँ पे आ रहे थे ना, हमारा प्लान नहीं था, बट अब बन गया प्लान। हमने सोचा यहाँ पे अब आ ही गए हैं तो ऋषिकेश भी होके आ जाते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा घूम आते हैं, देख लेते हैं वहाँ पे भी क्या है। ऋषिकेश भी मैं पहली बार जा रहा हूँ, हरिद्वार भी मैं पहली बार आया था। तो
मजा आया मुझे खूब। और अब ऋषिकेश चलते हैं। गाइस आप सामने देख सकते हैं हम देहरादून जा रहे हैं, खाली 33 किलोमीटर रह गया और ऋषिकेश 14 किलोमीटर है बस खाली यहाँ से। और सामने पहाड़ जो है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं, आप देख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो तो और भी अच्छी बात है। और हम तो देखेंगे, पूरी गाड़ी में सब बैठ के पहाड़ ही देख रहे हैं। यहाँ से पहाड़ का नज़ारा इतना ज़बरदस्त आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। बस मन करा कि वहीं पर जाके रह लूँ मैं। ओ इधर साइड में देखो सोम नदी, क्या जबरदस्त नदी है। बस थोड़ी सी ना भरी हुई नहीं है, हल्की हल्की है। और सामने जाम भी हमें अच्छा खासा मिल गया, अब हल्का सा जाम है। सीधे चारों तरफ देखोगा पहाड़ ही पहाड़ है, यहाँ पे ग्रीनरी इतनी जबरदस्त है यहाँ पे। और सामने मार्केट भी बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से ऋषिकेश खाली 13 किलोमीटर रह गया, 4 किलोमीटर हम आगे आगे हैं। और फिलहाल तो हम ऋषिकेश में जाके आपसे मिलते हैं पहाड़ों में। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं आगे इतना सारा जाम हो रहा है और काफ़ी टाइम से हम खाली जाम में फंसे हुए हैं। तो इस वजह से हम ना ऋषिकेश का प्लान ड्रॉप कर रहे हैं और गाड़ी हमने बैक ले ली है और वापस बैक टू दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि टाइम से पहुंचना है। और अगर यहाँ पे ऋषिकेश में दिखा रहे थे कि 1 से 2 घंटे लगेंगे खाली एक ही जगह, 5 किलोमीटर बचा, 5 किलोमीटर था, तो अभी वहाँ से हमने बैक कर लिया है। 5 किलोमीटर में ही 1 से 2 घंटे लग रहे थे, फिर हमें बैक भी जाना था और दिल्ली वापस भी जाना था, दिल्ली बैक भी जाना था क्योंकि कल ऑफिस वगैरह है, तो ऑफिस भी जाना है सबको और अपने अपने काम पे जाना है, तो इसलिए हमने बैक कर लिया। फिर किसी दिन आएंगे ऋषिकेश आराम से। वहाँ पे ऋषिकेश में तो यही है कि अगर एक दिन स्पेंड करो ना तो ज़्यादा बढ़िया है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे ऋषिकेश में, बट अभी तो बैक जा रहे हैं तो देखते हैं कब तक दिल्ली पहुँचते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज अभी हम यहाँ पर रुके हैं और आम के पेड़ देखने के लिए तो नहीं रुके हैं, गन्ने का जूस पीने के लिए रुके हैं और धूप बहुत बढ़िया हो रही है। गन्ने का जूस पिएंगे हम और एज यूजल मेरी आँख खुलती नहीं है धूप में, तो धूप के कारण मैं बिल्कुल देख ही नहीं पा रहा हूँ, बट क्या करें, अब उतर जाए तो रिकॉर्डिंग करनी तो पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो फिलहाल तो ये आम के पेड़ है और यहाँ पे आम लगे हैं नहीं लगे ये नहीं दिख रहे, तो शायद नहीं लगे आम के पेड़, लगे होते तो खाने चलते। तो अभी दूसरी गाड़ी भी आ रही है हमारी और फिर गन्ने का जूस पियेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस फाइनली हम खाने के लिए रुक चुके हैं। हम जो रुके हैं ना मोहनपुरी वाले पे रुके हैं जो यहाँ का फेमस है, अब है या नहीं है वो खाना खाने के बाद पता चलेगा कितना फेमस है। और ये देखो हमारी पूड़ी भी आ गई है, पूड़ी दिखाओ मम्मी, पूड़ी डोसा और ये चिली पराठो विद तिल के साथ है और बाकी वो सामान मंगाते हैं और खाते हैं। तो अभी इन्जॉय करते हैं हम, खाना खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज अभी रात के बज गए 9 और हम अब किंग कैफे वाले पे आए, किंग कैफे पे आए, वहाँ पे चाय पियेंगे और थोड़ी थकान मिटाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे। तो चलो चाय पीते हैं। चलो गाइज अब चाय तो पी ली है और चाय यहाँ पे ना बहुत बढ़िया चाय बनी थी और मुझे तो पसंद आई, अगर मुझे पसंद आई है तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी चाय। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर दिल्ली के लिए रवाना होते हैं, पहुँचते हैं दिल्ली आराम से। तो गाइज रात के बज गया 11 और अभी खाली हम मेरठ के आसपास ही पहुँचे हैं, मेरठ से थोड़ा सा बाहर की तरफ आए हैं और अभी यहाँ पे डिनर के लिए रुके हैं और डिनर करने के बाद फिर चलेंगे। और आँखों में बहुत नींद भरी हुई है और मौसा जी गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, धूल इतनी बड़ी हुई है कि सारा जो शीशा है ना धूल से मैला हो गया है, तो मौसा जी साफ़ कर रहे हैं। और इसके बाद खाना खाने के बाद हम फिर निकलेंगे और चलेंगे फिर दिल्ली दोबारा वापस। दिल्ली अभी दूर है अभी काफ़ी दूर है, तो मिलते हैं फिर बाद में आपसे। गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है रात के 1:15 बज रहे हैं और नींद इतनी ज़बरदस्त आ रही है बहुत ज़्यादा, मन कर रहा है गाड़ी में भी पड़े रहो, अभी सोचो यहीं पर ही सो जाओ। तो चलो अब घर पहुंच गया तो घर पर जाकर सोते हैं। और एक व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में।